हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका द वॉकिंग जॉम्बी 2 में। तो बेसिकली ये एक जॉम्बी गेम है जो कि स्टोरी बेस्ड है, ओके। और इस गेम की एक खास बात और है कि यह पॉलीगॉन ग्राफिक पे है, जो कि आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, गेम को शुरू करते हैं। प्रेग्नेंट लेडी, इफ यू नीड माय हेल्प जस्ट से अ वर्ड। She's infected. We need to kill her immediately. She can turn any time. I know, but we need to save the child. It's her last wish. It's a boy. How should we name him? Okay. And how is his mother? She didn't look well. She disappeared. Watch out! Ora bhaiya! चाची को ले भी थी। तो बेसिकली यहाँ पे इन्फेक्टेड लेडी थी जिसकी विश थी कि भाई मुझे कुछ होने से पहले मेरा बच्चा सुरक्षित हो, जो कि एक लड़का है। तो चाचा ने बच्चे को बचा लिया है और यहाँ अब जॉम्बी और भी आ गए हैं। तो ये रहा हमारा एक्शन मोड, ओके। तो फिलहाल फटाफट निपटा देते हैं जॉम्बीज को। बैरल, तो यहाँ पे क्विस्ट है सेव द बेबी। तो यहाँ बच्चे को हम बचा लेते हैं। चाचा का लक्ष्य है बच्चे को बचाना। चाची तो अपना काम करके चली गई और जॉम्बी बन गई। अब भाई यहाँ बच्चे को सेव किया। उल्लाला, ये गन मुझे चाहिए रे भाई। अब आएंगे मजे। डिस्ट्रॉय ऑल इनकमिंग जॉम्बीज। तो लेफ्ट हैंड साइड अपर में आपका मिशन लिखा होगा जिसे कि हमें कंप्लीट करना होता है। छह को तो निपटा दिया। मिशन कंप्लीट, बर्थ ऑफ अ हीरो, ओके। तो फिलहाल यहाँ शॉट के भी पॉइंट मिलते हैं। हेडशॉट 58, नॉर्मल डैमेज 17, एक्सप्लोजन। तो कहानी 20 साल बाद जब हमारा लवंडा बड़ा हो जाता है और अभी हम हैं वुडलैंड्स में। फ्रैंक, दे सर्च फॉर इक्विपमेंट, फूड एंड मेड्स इन द रुइंस ऑफ ओल्ड सिटीज। Lila. Members of the woodlands avoided idle lifestyle. Elder. They knew very well that staying means dying, or worse, not dying. भाई यहाँ तो मुर्गे की भी अपनी एक कहानी है। तो चलिए गेम को खेलेंगे तो और भी मजा आएगा। The chosen one, जो कि हम हैं 20 साल बाद और वो भी बिल्कुल नशे में। मतलब 20 साल बाद भाई हम नशेड़ी गजड़ी टाइप के हो गए हैं। आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं, नशा पूरी तरह से एकदम खोपड़ी पे हावी है। तो बेसिकली हम हैं वुडलैंड्स में और यहाँ कुछ कैरेक्टर हैं, चार पांच गिने, जिनका अपना अपना कुछ खासियत है। तो चलिए धीरे धीरे गेम को खेलेंगे, जानेंगे उनके बारे में और कहानी हमें धीरे धीरे आगे पता चलती चली जाएगी। तो फिलहाल ये रहा बाहर का एरिया, जो कि बहुत है ज़बरदस्त, बहुत झकास पॉलीगॉन ग्राफिक। ओले, ये बादलों को देखो भाई, जैसे लग रहा है पहाड़ ऊपर टंगे हुए हैं। कम ना हमारे खोपड़ी पे गिरे और खोपड़ियाँ हमारी फाट जाए और लाल हो जाए। सूरज बहुत ही झकास दिख रहा है। तो आगे है कुछ रेड रेड टाइप, जो कि पक्का मिशन है। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर, ओके। भाई एल्डर हैं,
क्या बात है, 20वां हमारा 20th बर्थडे है। तो यहाँ हमें फ्रैंक को ढूंढना है जो कि वेपन में माहिर है। तो कहाँ है फ्रैंक भाई, मिलते हैं फ्रैंक से। ओके, तो ये रहे फ्रैंक दादा। तो यहाँ बेस्ट विशेस की गई है, तो चलिए हमें गन को लेना है। तो फिलहाल पहला, क्योंकि भाई दाएं दाएं करने से अच्छा है कि एक बार में दड़दड़ करके मारा जाए, ज़्यादा बेटर है। तो ये रहा हमारा बैकपैक जिस पर हम क्लिक करते हैं। ओके, इसमें मैप है भाई, तो हमें कहीं इधर से उधर जाना है। तो शूटिंग रेंज, ओके भाई, इसमें डीजल पेट्रोल भी आपके पास होना चाहिए। आपने देखा, -2 लीटर हो गया यार, मतलब कमाल है। इसमें हर एक चीज़ को हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। तो फिलहाल आ चुके हैं हम शूटिंग एरिया में। तो पहला ऑप्शन है हमारा ओपन द डोर, फिर चूज योर वेपन, फिर डिस्ट्रॉय द प्रैक्टिस डमीज। तो चलिए डोर को ओपन कर लिया। ना ना ना, ये फ्राई पैन तो मैं नहीं लेने वाला भाई, बेसबॉल बैट ही लूँगा मैं पक्का। ये सबसे झकास चीज़ है और मज़ा आता है इसको खेलने में, और खोपड़िया हड्डियाँ पूरी तरह से तोड़ने में। ओके, तो ये रहा वेपन सेक्शन। तो चलिए चूज किया, ठीक, सेकंड इक्विप। ओके, चलते हैं बैक। गेम बहुत मज़ेदार है और इसकी सेटिंग्स भी काफ़ी ज़बरदस्त हैं। और तो कुछ यहाँ पर है नहीं, चलते हैं वापस। ओके, तो डमीज कहाँ है, ये रही। तो फटाफट ट्रेनिंग कर लेते हैं भाई, कैसे हाथ पैर मुंह तोड़ा जाता है और दांत बत्ती से कैसे। अल्ले अल्ले, बैरल पे तो मारने की कोशिश नहीं थी, फिलहाल कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो अपना लड़का हो गया है स्मार्ट, ट्रेनिंग कर लिया भाई, गन फायर अपने लड़के को सीखना है। तो चलो खड़े खड़े इसे निपटा देते हैं, और हो गया यहाँ मिशन कंप्लीट, शूटिंग ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट हो गई। फिर से चलते हैं मैप की तरफ। और कितने लीटर भाई, 3 लीटर पेट्रोल। ओके, कोई बात नहीं, पहुंच गए हम वापस वुडलैंड्स में। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हेड शॉट लें और हमें पॉइंट मिले ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो क्या वापस हमें फ्रैंक के पास ही चलना है। ये साइड मिशन कुछ हैं भाई, इन्हें भी देख लेते हैं, फ्रैंक से तो बाद में मिल लेंगे। अमांडा, हेलो, हाउ आर यू, फाइन फाइन। अरे बाप रे, इनके पास एक सीक्रेट है, लेकिन भाई उसको उगलवाने के लिए लेवल हमारा 21 होना चाहिए। फिलहाल तो हम अभी हमारी कोई औकात नहीं है, तो फिलहाल निकल लेते हैं धीरे से। बोरेस, बाप रे, सही बात है, गंदगी के बीच, टट्टी के बीच बैठा हुआ है अपना बोरेस। और तेरी तो भाई, बोरिस ने टट्टी करते करते अपने पेरेंट्स की जो बहुत ही कीमती घड़ी थी वो कहीं गिरा दी है। तो चलिए क्या करें यार, ले लेते हैं हाथ में भाई, देखते हैं क्या होता है। तो ये रहा अजीब सा, इसमें हाथ डाल के मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये गेम ने क्या करा दिया भाई, और ये मतलब ऐसी टकियाँ हैं भाई कि ये हट भी नहीं रही। छी छी, जल्दी करो हट जाना। ये रही भाई वो कीमती घड़ी जो टट्टियों के बीच फंसी हुई थी। तो कोई नहीं, डर्टी, वाह क्या बात है, डर्टी के 3000 एक्सपीरियंस हमें मिले हैं टट्टी में हाथ डुबोने के। ये लो भाई बोरिस, अब दोबारा ऐसा कुछ करने को मत बोलना। अरे ना ना भाई, कुछ ही खाना तेरे पास बचे, हमें नहीं चाहिए यार। कोई बात नहीं, तुम रखे रहो। ओके, तो जो प्रीवियस शेल्टर था, मतलब जहाँ पे ये लोग रहते थे, वहाँ पे बोरिस की वाइफ की फोटो कहीं पर है जो कि हमें ढूंढनी है। तो ये भी एक मिशन है, तो फिलहाल ले लेते हैं मिशन को, क्योंकि इससे जो हमें 50 XP 1X मतलब ये सब जो मिल रहे हैं, ये सब हमें रखना अपने पास बहुत ज़रूरी है। ये सब अगर हमारे पास नहीं होंगे तो गेम में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चलते हैं फिलहाल फ्रैंक के पास, मिशन हमने कंप्लीट किया था शूटिंग एरिया का। ये क्विस्ट हुआ कंप्लीट, 50 XP 100X। चलो भाई अगला जॉब लेते हैं।
ओके, तो शूटिंग रेंज में फेंस की जॉम्बीज ने ऐसी तैसी कर दी है, तो चलिए हमें फेंस को सही करना है और जॉम्बीज को वहां से क्लियर करना है। तो चलते हैं अपने मिशन की तरफ, फिर से वही मैप, फिर से उसी शूटिंग रेंज में। ओल्ड हाउस में भी एक मिशन है, वही बोरिस के फोटो का, जिसे हम कंप्लीट करेंगे बाद में। वाह वाह, स्पिन फ्री की चीजें, डैमेज 25% मिला भाई, और गेम बहुत सॉलिड है, मतलब मजे आ रहे हैं। साइड मिशन करने पे भी, मेन क्विज जो होंगे वो तो अलग हैं। तो ये रहा बाबा फेंस, जिसे हम फटाफट कर लेते हैं सही। रिलोड। बेटा पीछे से आते हो क्या, कंधे में दांत गड़ा के खून पीने का इरादा है क्या भाई? भैया चिलम चिल्ली मिनी स्कर्ट पहन के आ रही है, दांत से काट दे, ऐसा मत करो यार। और दोस्तों, जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हो यार, वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, जिससे गेम खेलने का उत्साह बढ़ जाता है और चीजें और मजे से होने लगती हैं। ये मजा आता है, एक शॉट मारो बूम और कम से कम 20 हवा में हो जाएं, तो वो अलग की बात होती है। फिलहाल यहां मिशन हुआ कंप्लीट, चलते हैं दका दक वापस। फ्रैंक से भाई तुरंत मिशन करने के बाद मिलने का मजा नहीं आता, कुछ साइड मिशन करने में मजा आता है। ट्रेडर, ओके, तो यहाँ हम कीमती सामान को बेच और खरीद सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त जगह है भाई, इसी की जरूरत है। फिलहाल अभी ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो निकल लेते हैं। यहाँ तो मुर्गियाँ भी सॉलिड तरीके से मजे ले रही हैं। फ्रैंक भाई, मिशन कंप्लीट हो गया है भाई, ओके, जबरदस्त आइटम दिए। ओके ग्रेट, बैकपैक पे कुछ है भाई, देखते हैं क्या है। लेवल अप, कुछ औकात हमारी बढ़ी, दूसरे लेवल तक हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ क्या करना है, फ्रैंक से फिर से मिलते हैं, इधर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओके फ्रैंक, हाँ हाँ टाइम ही टाइम है भाई हमारे पास, दो बताओ क्या है। ओके, तो फैक्ट्री में अब हमें चलना है और वहाँ ज़ॉम्बीज की खोपड़ियाँ तोड़ के उस एरिया को हमें क्लियर करना है, और जिनके पास कुछ दांत वांत होंगे उनको भी तोड़ के पीस के उनको वापस पेट में डाल देना है भाई। डिस्ट्रॉय फैक्ट्री, और बोरिस की फोटो हमें ओल्ड हाउस में जाकर ढूंढनी है, लेकिन उसे हम बाद में ढूंढेंगे। बोरिस को थोड़ा सा वेट करने दो यार, यहां क्या है देखते हैं फिलहाल। ओके ग्रेनेड, क्या बात है भाई, ले लेते हैं। तो ग्रेनेड का ऑप्शन भी तो कहीं कहीं हमें लाना पड़ेगा। ओ ये अच्छी बात है, हिंट को देना, इक्विप किया और इसका ऑप्शन कहाँ मिलेगा, यहाँ। तो चलते हैं बैक, देखते हैं कहाँ पे रहता है ग्रेनेड फेंकने का ऑप्शन। अरे क्या बात है, एकदम ऊपर ही है, तो चलो शुरू करते हैं धमाका। अरे रे 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 रे, गोली मत मार भाई, यहाँ ग्रेनेड से मारना है। वेस्ट अपडेटेड, क्या बात है, और घर में क्या तुम लोग चक्की चला रहे थे जो एक साथ निकल रहा हो साथ में भाई है। ओके ये एरिया तो क्लियर, कहां से आ रहे हो, कहां से आ रहे हो।
गोरी बाबा हो गया। तो थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। फैक्ट्री बहुत शानदार थी, इन्होंने यहाँ की ऐसी वाट लगाई कि सब कुछ खंडहर हो गया है। हेल्प का साइन बोर्ड है ऊपर, बहुत खतरनाक कंडीशन है फिलहाल। एक लाभ दी और दरवाजा गिर गया नीचे। भाई सारी क्या रेडिएशन फैल रखी है या डब्बों में कुछ ऐसा रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा हुआ है? अरे मजे ले रहा हो बेटा, ग्रेनेड लो एक ही बार। पीछे से हमला करना गंदी बात। तो मिशन कंप्लीट। तो चलते हैं फटाफट अपने वुडलैंड की तरफ, एक्चुअली सिटी, अपनी सिटी। अचीवमेंट अनलॉक्ड, हॉट शॉट 3000 XP। ओके तो फ्रैंक हमें हमारा इनाम दे दो यार, बहुतों को फोड़ा है। तो फिलहाल इससे पहले ट्रेडर के पास चलते हैं। ये ट्रेडर का ही कुछ हो रहा है लगता है, कुछ हमें वेस्ट मटेरियल मिला है जिसे हम बेच सकते हैं। ये रहा देखिए, देखते हैं क्या मिलता है इसका हमें। अरे क्या बात है, 250। चलो फटाफट ले लेते हैं। फिलहाल तो वुडलैंड्स के लिए यही कॉइन है, जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा हम सामान परचेस कर सकेंगे और तगड़े वाले एकदम धांसू वाले ज़ॉम्बी किलर बन सकते हैं। इधर तो फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक है। तो चलते हैं फ्रैंक के पास। ओ भाई फ्रैंक, सक्सीड। बताओ बताओ, अरे बाप रे, टर्न ऑफ ज़ॉम्बीज। तो उस ओल्ड माइन को हमें उड़ाना है, नहीं वहाँ से ढेरों सारे ज़ॉम्बीज हमारे पास आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये मिशन हम करेंगे कंप्लीट नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना प्यार मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा, और गेम अच्छा लगा हो तो इसे कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।